तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी अभी आपका CDS और NDA दोनों का पेपर 2024-1 का हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर जो पेपर का जो एनालिसिस होगा दोस्तों, वो GAT और मैथ NDA के लिए, और CDS के लिए इंग्लिश, GK और मैथ्स, तीनों तीनों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे समझेंगे दोस्तों कि इस बार का जो पेपर आया वो किस लेवल का आया था और कहाँ पे बच्चे मार खाए हैं और कहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है उनको फॉलो करनी है, किनको नहीं सुनना है, किनको सुनना है और किस तरीके से काम करनी है कि अगली बार कम से कम उनका रिजल्ट हो जाए जिनका नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा अपना CDS एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ है दोस्तों, उसके बारे में। जो इस बार CDS का जो पेपर हुआ दोस्तों, इसमें जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 90% तक तो ठीक था। 90 to 100 क्वेश्चंस वेर ओके, नो इश्यूज, इट वाज वेरी गुड। बट जो और जो नए पैटर्न का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में पूछा गया है, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, और उसके उसके ऊपर कमेंट करने के लिए बोला गया कि S1, हाउ S1 और S2 इज इंटरकनेक्टेड, S1 इज रॉन्ग और S2 इज रॉन्ग। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं दोस्तों, उसके पीछे का लॉजिक तो कुछ समझ में नहीं आता। तो इसमें सिंपल सी बात है कि यूपीएससी की तरफ से एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होता ही है एग्ज़ाम में। इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे पढ़ के गए उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर सेट करती है कि जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो पास मार्क तक तो अपना एग्ज़ाम में लेकर आ ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो जो 20 क्वेश्चंस और 15 और क्वेश्चंस जो होते हैं, उनमें तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। ये हम लोग पिछले बार से ही देख चुके हैं, कई सालों से इनका चलता आ रहा है। तो इंग्लिश में रह गई ये बात, और जो नया नया जो लैटिन वर्ड्स पूछे गए थे, फिर कई सारे प्रकार के नए चीज़ें पूछे गई थी, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो था वो कुछ अलग ही था दोस्तों। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो आपका इंग्लिश का जो पेपर आया था वो सारे बच्चे के लिए एक समान ही है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो जो बच्चे 100, 105 क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, उनका अच्छा खासा मार्क आ जाना चाहिए दोस्तों। नियर अबाउट 60-65 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, जहाँ तक जो बच्चे अटेंड किए हैं और जो थोड़ा सा प्रिपरेशन करके गए हैं, उनके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो प्रिपेयर करके नहीं गए थे, जो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इस प्रकार का भी कुछ हो सकता है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और फिर अगली बात मैं करूँ GAT को लेकर, जो जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है CDS में दोस्तों, अगर उस पर बात की जाए तो दोस्तों, इस बार का जो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन था, इकोनॉमिक्स पोर्शन वाज टोटली डिफरेंट दोस्तों। इकोनॉमिक का जो पोर्शन था वो पूरा का पूरा पोर्शन थोड़ा सा डीपर इकोनॉमिक्स में पूछा गया था। तो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन जो था दोस्तों, वो थोड़ा सा टफ तो था ही, उसके बाद लेंदी भी था, लेंदी भी था दोस्तों। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स थोड़ा लेंदी था, हिस्ट्री तो समझ में नहीं आता कहाँ से पूछते हैं, मतलब सोर्स तो पता ही है दोस्तों, उपिंदर सिंह का जो बुक है उससे ही पूछा जाता है, क्लास 12th 11th एंड 12th NCERT से पूछा जाता है, क्लास 11th एंड 12th तमिलनाडु हिस्ट्री बुक से पूछा जाता है, और कई सारे दोस्तों सोर्स हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछी जाती है। लेकिन वो इतने बड़े हैं कि उनको पढ़ने में 1 साल लग जाएगा। तो एज पेरेंट, हिस्ट्री पे आपको सिर्फ क्लास 11th एंड 12th का जो NCERT बुक्स है और तमिलनाडु का तमिलनाडु हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है, वो आप कवर कर सकते हैं। लेकिन और सारे जो सोर्सेस हैं उसको कवर करना भी मूर्खता है, क्योंकि उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा जाएगा और क्वेश्चन भी उतने नहीं बन पाएंगे एग्जाम। तो इसके अनुसार हिस्ट्री पे आपका कोई उतना कुछ बोलना ही नहीं है दोस्तों। उसमें तो अगर जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके लिए बोनस ही हैं, और आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार से जाना चाहिए कि दोस्तों, आपको हिस्ट्री को इग्नोर करके ही चलना चाहिए।
जितने भी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं वो आप हिस्ट्री के अलावा करंट अफेयर, साइंस, जियोग्राफी तक आप प्रिपेयर कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस तक प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस बार जो हिस्ट्री का जो वो तो हमेशा से ही आता है दोस्तों, हिस्ट्री का जो कोई सोर्स ही नहीं है, मतलब सोर्स है लेकिन उसको आप कवर ही नहीं कर सकते। उपिंदर सिंह करके बुक है, स्पेक्ट्रम है दोस्तों, फिर क्लास 11th एंड 12th है, ये सब बुक्स जो हैं आप मैक्सिमम क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी कर सकते हैं, क्लास 11th एंड 12th हिस्ट्री बुक्स आप तमिलनाडु कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप उपिंदर सिंह करने जाएंगे वो 1400 पेजों का बुक है दोस्तों, उस पर कोई ध्यान भी नहीं देना, आपको जितना आ रहा है उतना करके जा। फिर पॉलिटिकल साइंस में जो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस भी इस बार कुछ और ही पूछ दिए, इस बार पॉलिटिकल साइंस में भी काफ़ी सारा जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई थी वो सिविल सर्विसेज के ऑप्शनल वाली थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो यूपीएससी कहना चाह रहा है कि सिर्फ सिर्फ लक्ष्मीकांत से कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आपको जो पॉलिटिकल साइंस के जो बुक होते हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और इस बार पेपर थोड़ा सा टफर साइड में था पॉलिटिकल साइंस के ओर से भी। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए दोस्तों आपको लक्ष्मीकांत के साथ साथ और कई सारे बुक्स हैं, उनको एक दो आपको कवर करना पड़ेगा। और जो पेपर होता है ना दोस्तों, उसमें अगर आप जाकर अगर किसी भी सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ हिस्ट्री के अलावा, अगर आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और भी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आते हैं, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो उसमें आप सिर्फ पहले से प्रिपेयर करके नहीं जा सकते हो दोस्तों। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको एग्जाम हॉल में बैठ के पढ़ के ही करना होता है। आप ये मत सोच के जाना कि सारे क्वेश्चन आप पहले से प्रिपेयर करके जाओगे और वहाँ आप करके आ जाओगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यूपीएससी का जितना भी एग्जाम होता है उसमें आप देख सकते हैं कि दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो सिर्फ एग्जाम हॉल में बैठ के ही किया जा सकता, वो सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसको आपको पढ़ना पड़ता है, पढ़कर आप अपने लॉजिक के अनुसार उसको आंसर दीजिएगा, वो सही आंसर रहता है। इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो सिर्फ लॉजिकल थे, आपको प्री नॉलेज का कोई ज़रूरत ही नहीं है उसमें। एग्जाम हॉल में बैठ के आप क्वेश्चन पढ़ो, एक दो बार, तीन बार पढ़ो, तीसरी बार में आप खुद से समझ जाओ कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और बोथ आर करेक्ट। इस बार तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि दोस्तों वो कोई नॉलेज का जरूरत ही नहीं है दोस्तों, आप एग्जाम हॉल में जाओ, बैठो, पढ़ो और उसके अनुसार आंसर लगा के आ जाओ। कई ऐसे क्वेश्चन थे इस बार, पॉलिटिकल साइंस में थे, आपका इकोनॉमिक्स में भी थे, फिर आपका हिस्ट्री में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे थे कि जो इलॉजिकल थे, जो अगर आप उस पर थोड़ा सा भी ध्यान देते, थोड़ा सा एग्जाम हॉल में पढ़ते तो आप उसे कर पाते। फिर दोस्तों आपका आ जाता है साइंस, उससे पहले ज्योग्राफी पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ज्योग्राफी के लिए तो आपका सिंपल एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th सेम क्वेश्चन आया था, कोई नई बात नहीं है उसमें, तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। फिर आप आ जाते हैं साइंस और करंट अफेयर्स पर। तो दोस्तों साइंस और करंट अफेयर्स अगर आप नहीं करके जा रहे हैं, इसका मतलब आप समझिए कि आप एग्जाम में पहले से ही पीछे हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों सीडीएस का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें आप दो सब्जेक्ट पर निर्भर 100% कर सकते हैं, वो है साइंस और करंट अफेयर्स। वो आपको सबसे ज़्यादा मार्क फेच करेगी, तो आप जितना टाइम और एनर्जी वेस्ट करोगे प्रिपरेशन के दौरान इन दो सब्जेक्ट पर, वो आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही रिजल्ट देगा दोस्तों। इसके साथ साथ आपको ज्योग्राफी कर लेनी है, इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस भी कर लेना। ये चार सब्जेक्ट पर अगर आप ध्यान दोगे दोस्तों तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, आप मतलब पास हो जाओगे इसमें, कोई बड़ी बात नहीं। फिर अगली बात हो गई मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का पेपर इस बार जो अर्थमेटिक्स अराउंड 50 to 45 क्वेश्चंस वेर वेरी मच इजी। सीडीएस मैथमेटिक्स 45 to 50 क्वेश्चंस वेरी मच इजी दोस्तों। 45 से 50 क्वेश्चन तो इजी थे, अगर कोई भी प्रिपेयर करके जाता 40 तो आराम से करके आता दोस्तों। 40 में अगर उसका 5 भी गलती हो गया तो उनको 34 मार्क्स तो आ जाता है।
33 मार्क ले लेते हैं। सो 33 मार्क्स वे आर वेरी मच इजिली स्कोरेबल इन दिस पेपर। अदर देन दैट इफ यू वॉन्टेड टू स्कोर मोर देन ओनली द पेपर वॉज टफ। बट इफ यू हैड एम्ड फॉर अराउंड 35 मार्क्स 40 मार्क्स देन द पेपर इज वेरी मच ईजी फॉर यू। लेकिन अगर आपका एम है 50 मार्क्स 55 मार्क्स 60 मार्क्स तब आपके लिए पेपर टफ हो जाता है दोस्तों। सीडीएस मैथ्स का इस बार का जो पेपर आया दोस्तों, यही आपका सीडीएस का एनालिसिस रहा दोस्तों। अब चलते हैं एनडीए में दोस्तों। तो एनडीए में मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो एनडीए में आजकल पेपर आ रहे हैं वो हवा हवाई में जो पढ़ाते हैं लोग, उसमें उससे तो बनने वाला है नहीं दोस्तों। एनडीए में अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर। अगर मैथमेटिक्स का मैं बात करूं दोस्तों, तो एनडीए मैथ्स का जो आजकल पैटर्न है पेपर का, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो, यदि आपका जो स्कोर मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं बन रहा है, आप प्रैक्टिस नहीं करो, एग्ज़ाम में आप कुछ कर ही नहीं पाओगे दोस्तों। फ्रस्ट्रेशन के अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों एनडीए के लिए मैं कहूँगा कि आपको अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है और अच्छे सोर्स से पढ़ना पड़ेगा आपको। आजकल जो एनडीए का पेपर है दोस्तों, वो जेई मेंस का, जो जेई मेंस का मैं डीप लेवल नहीं बोलूँगा, लेकिन जेई मेंस का सिलेबस जो है उसका जो सेकेंड लेवल तक आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। यदि आपको एनडीए के मैथ्स में अगर एवर 120 मार्क्स लाने हैं, 125, 135, 150 तक अगर मार्क्स लाने हैं, तो आप जेई मेंस का जो सिलेबस होता है ना दोस्तों, उसका जो फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल, अगर हम जेई मेंस के सिलेबस को 5 लेवल में रखें, तो जो टफनेस लेवल 1 और 2 रहेगी, उस पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। टफनेस लेवल 1 और 2 मतलब ऊपर ऊपर आपका जेई मेन का सिलेबस होना चाहिए विथ कम्प्लीट एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आपका कहीं ना कहीं 120-125 मार्क्स आराम से बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वही घिसे पीटे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हो, जहाँ पे उनको कुछ पता ही नहीं है दोस्तों, उनको सिर्फ यही रटा रटाया चीज़ें पढ़ाया जाता है कि मीन अगर 5 बढ़ा दिया जाए तो ओवरऑल मीन भी 5 बढ़ जाएगा, ये सब अब नहीं आने वाला है दोस्तों। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, आपको एक कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्वेश्चन बनाकर, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मैट्रिक्स एज ए सब्जेक्ट वेरी मच ईजी दोस्तों, लेकिन मैट्रिक्स में अगर हम कैलकुलस डाल देते हैं, मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर डाल देते हैं, फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। डिटर्मिनेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर डाल देते हैं, फिर कैलकुलस डाल देते हैं, फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको इस प्रकार से प्रिपेयर करनी है कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को कोरिलेट करना है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में फंक्शन डाल दिए, फंक्शंस में क्वाड्रेटिक डाल दिए, क्वाड्रेटिक में ट्रिग्नोमेट्री डाल दिए। तो दोस्तों ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही होगा, उसके बाद ही आपको कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेगी। और आपका भर भर का कंटेंट की कमी नहीं है दोस्तों, यूट्यूब पे इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको खोज कर उसे पढ़ना है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के जाल में मत फंसो। आजकल तो यूट्यूब पर आके सारे लोग अपना कोर्स बेचने में लगे हैं दोस्तों। मतलब किसी का भी वीडियो आप उठा कर देख लो, सब बोलते हैं कि मेरे पेड बैच से। एक तो आप नया चीज़ सीख गए हैं दोस्तों ये लोग कि मेरे पेड बैच से आया, मेरे पेड बैच से आया, प्रूफ है प्रूफ है। अरे भाई कहाँ से प्रूफ है? क्वेश्चन जो आते हैं यूपीएससी का वो न्यू क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट सब जगह पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट आप करवाते नहीं हो, वही पुराना वाला जो क्वेश्चन है उसी को करवा रहे हैं। अब उससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। और जो यूट्यूब पर आके बैच बेच रहे हैं दोस्तों, उनसे सावधान रहना थोड़ा, वो आपको रिजल्ट देने वाला नहीं है, आपको मेहनत खुद से करनी है, रिजल्ट आपको खुद से लेना। यूट्यूब पर आकर मैं देख रहा हूँ दोस्तों, साइंस के 25 क्वेश्चन में 9-10 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन में 8-9 क्वेश्चन गलत आंसर के दिखा रहे हैं दोस्तों, और वो आकर कोर्स बेच रहे हैं।
आप समझा करो दोस्तों, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आप एनडीए के बच्चे के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अपने सीनियर से गाइडेंस लो, आप अपने टीचर से गाइडेंस लो। यूट्यूब पे कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपको करेक्ट गाइडेंस दे रहे हैं, उनसे अपना गाइडेंस लो। और जो सिलेबस दिया गया है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कोई आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सब सिलेबस जो है आपका यूपीएससी नोटिफिकेशन में दे रखा है, उससे जाकर आप पढ़ा करो। उसमें जो सिलेबस है वही आपको कवर करना है, कोई इसका राम नाम नहीं है दोस्तों। सिर्फ इसका एक ही उपाय है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जहाँ तक जनरल नॉलेज की बात है दोस्तों, तो जनरल नॉलेज अगर यूपीएससी के एग्जाम में, जो एनडीए का एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें तो इंग्लिश आपका 50 आता है, तो 50 में कम से कम आपको तो 40 आना ही चाहिए, 45 करेक्ट, 40 करेक्ट होना चाहिए आपको। उसके बाद आपका बच गया 100 क्वेश्चन। सो जो 100 क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें साइंस ही काफ़ी ज़्यादा पोर्शन ले लेता है। तो साइंस पे आप ध्यान दो। साइंस के लिए सिंपल सा सोर्स है दोस्तों, क्लास 9 10 एनसीईआरटी, क्लास 11 12 एनसीईआरटी, कहानी खत्म। साइंस में सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें आपको न्यूमेरिकल में फंसाया जा सकता है। उसको आप अगर एक बार को आप साइड भी कर दीजिएगा तो वो सिर्फ 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स रहेंगे, उसको इग्नोर करो दोस्तों। आपको 150 में 150 नहीं करने हैं दोस्तों। तो आपको साइंस में जो 9th एंड 10th का एनसीईआरटी बुक्स है उसको ढंग से पढ़ा करो, उसी से क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, उस पर ध्यान दिया करो। और जो कोर्स बेच रहे हैं दोस्तों, उन पे तो एकदम से ध्यान नहीं देना। कोर्स बेचने के लिए यूट्यूब पर हर एक कोई को देख रहा हूँ दोस्तों, आकर अपना कोर्स बेचे जा रहे हैं। कोर्स ले लो नहीं तो तुम्हारा एग्जाम नहीं क्लियर होगा, अगर कोर्स नहीं लोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कुछ नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाओ, आप घबरा कर कहीं कोर्स वोर्स के चक्कर में मत पड़ जाओ, आपको सिर्फ सेम रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। आप अपना दिमाग से आप अपना क्वेश्चन पेपर बैठ के एनालाइज करो कि आपका वीक एरिया कौन है, आपका स्ट्रांग एरिया कौन है, आपको किस टॉपिक पे ध्यान देना है, आपको किस टॉपिक से नहीं ध्यान देना, उसके बाद आप डिसाइड करो। और यूट्यूब पे भी कई सारे ऐसे कोर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर फिर भी आपको कोर्स ही लेना है तो दोस्तों ऑथेंटिक कोर्स लें। आप पहले आंसर की देख लें सब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का, आप ये वाला आंसर की नहीं देखना दोस्तों, आप 2023-2 वाला आंसर की जाके मिलाना, ऑफिशियल आंसर की ऑलरेडी आ चुका है उससे जाके आप मिलाना दोस्तों। जिस भी इंस्टीट्यूशन का ऑफिशियल आंसर की सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा उसमें जाके आप अपना एडमिशन ले लेना, मैं बता रहा हूँ दोस्त। इसके अलावा जो बेचे जा रहे हैं आजकल कोर्स यूट्यूब पर आके लाइव, सीधा बोल दिया जा रहा है दोस्तों कि बिना कोचिंग का होगा ही नहीं भाई। जो तो रिजल्ट आता है उसमें हमें तो लगता है 10% से 10% और 15% से कम लोग ऐसे रहते हैं जो कोचिंग वगैरह भी लेते होंगे। कोचिंग फोचिंग के चक्कर में तो रहना नहीं है दोस्तों, सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। 12th वाले बच्चे, आपका जो पोर्शन है एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर वाला बुक है उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पलर वाले बुक्स में जो क्वेश्चन है उनको आपको बनाना आना चाहिए। जेई मेन का सिलेबस जो है उसका जो फर्स्ट एंड सेकंड लेवल है उसको आपको कवर होना ही चाहिए, फिर जाकर आपका आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बनता आप इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा सोर्स कहाँ से पढ़ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है दोस्तों, क्वेश्चन के पीछे नहीं भागने। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाओ, आपके लिए पाथ फाइंडर है पाथ फाइंडर लगाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर आप अपना क्वेश्चन लगाओ। उसके अलावा मैं बता ही दिया, जीएटी में आपको इंग्लिश पे ध्यान देना है, साइंस पे ध्यान देना है, करेंट अफेयर्स पे, ये तीन चार सब्जेक्ट हैं, इनको आप बढ़िया से ढंग से कर लोगे तो आपका रिजल्ट होना ही होना है दोस्तों। इसमें कोई दो दो बात नहीं है, इसमें दो राय भी नहीं। और जहाँ तक बात रही दोस्तों आपका कट ऑफ का, तो जो कट ऑफ का जो वीडियो आएगा वो आएगा कुछ दिन के बाद आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा डेटा
कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, तो कई सारे लोगों से मैं बात करूंगा, उसके बाद ही बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। उसके बाद कट ऑफ का भी वीडियो आएगा दोस्तों, उसमें आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो इस बार CDS का एग्ज़ाम था दोस्तों, उसमें जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन था, वो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और कॉम्प्लेक्स था। तो दोस्तों उसके लिए मैं एक बुक लेकर आया हूँ, इंडियन इकोनॉमी का। तो ये बुक है दोस्तों जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए प्री के लिए पढ़ा जाता है। अभी मार्केट में यही बुक चल रही है, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको भी इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग करनी है तो दोस्तों आप ये वाली बुक ले लेना, 500 रुपये में मिलता है। तो दोस्तों ये विवेक सिंह सर का जो बुक है इंडियन इकोनॉमी, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, तो ये बुक ले लो दोस्तों। और एक हिस्ट्री के लिए उपिंदर सिंह मैम का एक बुक आता है, वो आप ले लो हिस्ट्री के लिए अगर आपको पढ़ना ही है तो। लेकिन दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए ये सही बुक है, इससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं भी आपके डाउट को क्लैरिफाई कर पाऊँ। और दोस्तों जो यूट्यूब पर आके बेच रहे हैं कोर्सेज दोस्तों, उनसे सावधान ज़रूर रहें। आपको अभी आप घबराए हुए होंगे, आप जाकर घबराहट में आप कोई ना कोई कोर्स ले लेंगे, फिर बाद में पछताओगे दोस्तों। आराम से कूल माइंड से आप सोचो दोस्तों कि कहाँ आपका वीक सेक्शन है, कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो, कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, उसके अनुसार आप प्रिपरेशन शुरू करो। मैं तो मानता हूँ दोस्तों सेल्फ प्रिपरेशन इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, लेट इट बी एनी एग्जाम। आपको सोर्स पता होना चाहिए, राइट गाइडेंस मिलनी चाहिए और राइट टाइम पे राइट प्रिपरेशन होना चाहिए। बस यही दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। मेन आपको ध्यान देना है कि कोर्स जो बेच रहे हैं दोस्तों, सभी आकर बोल रहे हैं कि दोस्तों मेरे में से आया, मेरे में से आया, मेरे में से। किधर से आया भाई, कहाँ से आ गया? UPSC हमेशा नए नए क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, 100 में अगर एक दो क्वेश्चन से अगर लड़ भी गए तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता दोस्तों। उन सब से आप खुद से बैठकर एनालाइज करो दोस्तों। और यूट्यूब पर कई सारे अच्छे लोग भी हैं, आप उनका जाकर चैनल देखो, वो जो गाइडेंस दे रहे हैं उनको देखो, और करेक्ट गाइडेंस में सेल्फ स्टडी करके अपना जो प्रिपरेशन है उसको ऑन रखो, और अपना आपका रिजल्ट होगा दोस्तों। जो सही मटेरियल है, सही गाइडेंस है, वही आपको सिलेक्शन देगी। उसके अलावा जो कोचिंग वाले आके भसड़ मचा के चले जाते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों आपके सिलेक्शन से। उनका सिर्फ ये है कि अगर कोर्स डिजाइन किया गया 100 लोगों के लिए, तो उनको 100 लोगों तक पहुंचाना है दोस्तों कोर्स। उसके अलावा कौन क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है, कैसा क्वेश्चन आएगा, सारे आउटडेटेड सिलेबस हैं दोस्तों। आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो कई JEE मेंस के लेवल का क्वेश्चन आ रहा है NDA में। तो दोस्तों आप ध्यान देकर अपने खुद से, अपने सीनियर से बात करो, अपने टीचर से बात करो, और सेल्फ प्रिपरेशन ऑन रखो। ये कोचिंग वाले के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे आकर कोचिंग वाले अपना बेच रहे हैं दोस्तों अपना। आप जाकर देख लो दोस्तों, आप आंसर किसे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसा इन लोग का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। एक क्वेश्चन का चारों ऑप्शन आंसर दे रहे हैं दोस्तों, समझ लो इनका क्या हाल है। तो आप इन सब के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, और आप ध्यान देना। और जो अगला एग्जाम होने वाला उसके लिए काफ़ी टाइम है, तो दोस्तों आप अपना जो पेपर दिए उसके अनुसार आप एनालिसिस करके उसमें लग जाओ दोस्तों। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।